हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे मना करने के बावजूद, पिताजी के मना करने के बावजूद, उसके मना करने के बावजूद या हम लोग के मना करने के बावजूद। ऐसे वाक्य को आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ डिस्पाइट माय रिफ्यूजल मीन्स होता है मना करने के बावजूद। यहाँ जो माई है यह पर्सन के हिसाब से बदलेगा, जो मना करेगा। तो योर हीज हर इज ए पर्सन के हिसाब से बदलेगा। इसका स्ट्रक्चर है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल प्लस सेंटेंस या प्लस सेंटेंस डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। आप इसको आगे या पीछे किसी भी तरह से रखकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चले देखते हैं पहला वाक्य क्या है। मेरे मना करने के बावजूद आप वहाँ क्यों गए। ऐसे वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वाई डिड यू गो देयर। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वाई डिड यू गो देयर्स। अगला वाक्य हम लोग का है पिताजी के मना करने के बावजूद वह खेलने चला गया। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Despite father's refusal, he went to play. Despite father's refusal, he went to play. अगला वाक्य हम लोग का है मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Despite my refusal, why did you come here? Despite my refusal, why did you come here? अगला वाक्य हम लोग का है मोहन के मना करने के बावजूद मैंने तुम्हारा मदद किया। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Despite Mohan's refusal, I helped you. Despite Mohan's refusals, I helped you. अगला वाक्य मम्मी के मना करने के बावजूद वह सोने चली गई। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। Despite Mummy's refusal, she went to sleep. Despite Mummy's refusal, she went to sleep. So guys, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इस तरह से वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग किसी तरह से कुछ रोज़ पढ़ते सीखते चलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई।